हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे और सेंसेक्स की एक्सपायरी आज, और सेंसेक्स भी थोड़ा गैप अप दिखा रहे ओपन। तो गैप अप मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कल देखा है आपने कॉल इतने स्पाइक दे रहे थे ना, और पुट इतना डाउन नहीं हो रहा था, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी भी अगर कॉल मतलब ऊपर जाने लगता है तो कॉल ऐसे बहुत ही बड़े बड़े स्पाइक देगा, और बड़ा लॉस आज भी हो सकता है। तो थोड़ा रिस्क को करेंगे आज मैनेज, और ज्यादा लॉस लेने का नहीं ट्राई करेंगे। और अगर नीचे जाता है तो नीचे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और नॉर्मल क्वांटिटी से हम करेंगे। और अभी विशाल भी थोड़ा बाहर गया, थोड़ा काम था विशाल को, अभी वो भी आ जाएगा। और अभी ट्रेडिंग करते हैं स्टार्ट। गाइस, टाइम हो रहा है 10:57, और यहाँ पे लॉस चल रहा है 28,000 का। और जैसे कि पोजिशन देख लो, अभी बहुत ही दूर चले गए हम, 6 और 8 रुपये सिर्फ। ये भी कलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, इतना प्रीमियम बिहेवियर खराब हो चुका है कल से। तो कल ही यहाँ पे थोड़ा सा जब निफ्टी सेंसेक्स से सारे इंडेक्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए ना, तो कॉल ने बहुत ज़्यादा गामा स्पाइक दिया। तो आज भी गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप होने के बाद क्या होता है, यूजुअली जो कॉल राइटर्स होते हैं वो डरते हैं और ज़्यादा, बिकॉज कल भी इतना बड़ा, तो यहाँ पे गामा स्पाइक और गैप अप हुआ। तो यहाँ पे और थोड़ा ऊपर जाता है तो कॉल डबल एक कैंडल में डबल स्पाइक मारता है। तो जब ओपन होने के बाद ये ऐसे ऊपर गया ना, तो फिर सेम कल की जो स्टोरी थी, पुट बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए, और कॉल यहाँ पे अनलिमिटेड गेन हो रहे थे। तो ऊपर जाते वक्त लॉस, यहाँ पे एडजस्टमेंट करते करते ऊपर आए, और यहाँ से फॉल। तो ये फॉल में भी क्या हुआ, जो पुट ऊपर जाते वक्त बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए थे ना, ये फॉल में और ज़्यादा बढ़ गए। तो ओवरऑल यहाँ पे भी लॉस, तो कुछ भी कर नहीं सकते, और दोनों साइड से प्रीमियम बढ़ रहे, और एडजस्टमेंट के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो लॉस भी अभी बढ़ते जा रहे थे, 30,000 तक गए विदाउट मूवमेंट, विदाउट ये देखो अभी एक मिनट पहले पोजीशन दिखाई थी, दोनों गेन हुए यहाँ पे 27 से 30, मतलब 3,000 का लॉस अभी बोलते बोलते हो गया। तो ऐसा हो रहा है, 40,000 में सारा ट्रेड बंद कर देंगे आज का, अगर हिट होता है तो। और अगर थोड़ा सा यहाँ से डाउन होता है दोपहर तक, 2 बजे तक 20,000 तक आते, 20-21,000 तक, तो फिर एंड में और थोड़ा सा रिस्क लेके टोटल 40,000 का रिस्क लेके ट्रेड करेंगे। तो मैक्स तो 40 रहेगा, अभी हिट होता है तो अभी बंद हो जाएगा ट्रेड, नहीं तो दोपहर में अगर बचते हैं तो 2 बजे फिर से थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके सेम 40,000 के रिस्क। आपको अपडेट करते जो भी होता है, फिलहाल 30,000 का यहाँ पे लॉस चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2:00, और हमने पोजिशन थोड़ी ऐड कर दी है, और लॉस को थोड़ा मैनेज किया है, और अभी 21,000 का लॉस है। तो 40,000 का मैक्स हमारा लॉस है, अभी तक हिट नहीं हुआ। अभी करेंटली देखो ये पोजीशन है 2,000 है, अभी शॉर्ट किए, अभी ऐड किया 2 बजे, इसलिए तो अभी 66,400 का पुट शॉर्ट है, और 66,900 का कॉल शॉर्ट है, ऑलमोस्ट अभी इक्वल है, बैलेंस्ड है। और अभी देखो थोड़ा डीके भी देखने को मिल रहा है, 19,000-20,000 लॉस, धीरे धीरे ये कम हो रहे प्रीमियम, देखते हैं। अभी 2 बजे है तो थोड़ा लग रहा है अभी यहाँ से डीके हो सकता है, तो इसके वजह से ऐड कर लिए। और ये देखो सेंसेक्स भी देखो साइडवेज हुआ है पूरा बहुत टाइम से, तो स्टार्टिंग में ही बड़ी बड़ी मूवमेंट हो गई है, उसके बाद अब ये थोड़ा चिल है। तो ऐसे अगर चिल रहता है तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें। और अभी प्राइस एक्शन समझते हैं, देखो ये मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे जा रहा है, तो अभी इस टाइम क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस है, और ये स्टॉप लॉसेस बहुत लोगों ने यहाँ पे लगाए होंगे, वो उड़ के यहाँ पे फिर से एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी टाइम हो रहा है 3:30, और यहाँ पे देखो लॉस बुक किया है, अराउंड 28,000 का लॉस आज बुक किया है। प्रीमियम बिहेवियर बहुत ही खराब था सेंसेक्स में, ऊपर नीचे वीक में प्रीमियम जंप कर रहे थे, और जहाँ पे ऐसे जा रहे थे वहाँ से फिर से घूम रहे थे, तो इसके वजह से बहुत सारा स्लिपेज भी हुआ है एडजस्टमेंट में, एंड कुछ कर नहीं पाए। मैक्सिमम जो लॉस था 40,000 वो टच नहीं हुआ, उसके अंदर ही था दिन भर, और एंड में लग रहा था कि थोड़ा और रिकवर हो जाए, बट फिर से ऊपर नीचे जब ये किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपेज हुआ दोनों साइड से, तो 28,000 का लॉस फिर यहाँ पे एंड में बुक करना पड़ा, मतलब ये ज़ीरो हो गए, तो 28,000 यहाँ पे अभी रह गया है नॉर्मल में क्वांटिटी, तो अभी एग्जिट नहीं करेंगे, एंड हो गया फिर। तो ट्रेड तो हो गया, और 28,000 लॉस बुक कर दिया हमने, और हमारा परफॉर्मेंस तो बहुत ही ख़राब था, इतना कुछ अच्छा मैनेज नहीं हुआ, मतलब एग्जीक्यूशन मिस्टेक हमने बहुत किए, और जो हम हमारे स्टॉप लॉसेस लगाते थे हमने इस टाइम नहीं लगाए, वो गलती कर दी, क्योंकि सॉफ्टवेयर आया था तो इजीली हमें सब कुछ वहाँ पे मिल रहा था, तो
तो इसकी वजह से हमने नहीं लगाया स्टॉप लॉस, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे मिस्टेक्स हो गए, बहुत ही ऊपर ऊपर एग्जिट हो गए, और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि इसके वजह से लॉस बढ़ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से लगाएंगे और अच्छे से मैनेज करेंगे। इस टाइम गलती हो गई है, फिर से नहीं करेंगे। और लॉस तो हमने कुछ बढ़ा नहीं लिया है, जो हमारा 40,000 है उसके अंदर ही लिया है, तो वो तो ठीक है, मतलब तो इतना कुछ बुरा भी नहीं है। तो अगर आपको कुछ इस ब्लॉग से सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर सकते हो अगर कुछ पूछना है हमको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।